हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं L&T फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें अप्लाई करते हो तो आपको 50,000 से लेकर 9 लाख रुपए तक के लिए लो अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर लाइव अप्लाई करके देखने वाले हैं और इनके जो पैसे हैं उसको बैंक में लेकर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हमारे को यहाँ पर कुछ परमिशन देनी पड़ेगी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज से निकल के आता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ परमिशन देनी पड़ेगी, लोकेशन वगैरह हो गया, स्टोरेज हो गई, फ़ोन कॉल्स हो गया, कैलेंडर वगैरह हो गया, इनकी परमिशन देनी पड़ेगी। तो प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो हमारे को यहाँ पर हमारी जो लोकेशन है उनकी परमिशन देनी पड़ेगी। तो अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन निकल के आते हैं। तो हमारे को यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो भाई इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे जो मोबाइल नंबर है उन पर OTP आएगा, 6 डिजिट का OTP आएगा। तो हम यहाँ पर OTP लगा देना है। OTP लगाने के बाद में यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन निकल के आते हैं। पिन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर 4 डिजिट का पिन क्रिएट करना है आपको। पिन क्रिएट करने के बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल सेटअप हो चुका है हमारा, अब हमारे को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमने जो 4 डिजिट का पिन बनाया था वो पिन यहाँ पर लगा देना और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारे को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो हमारे को सबसे पहले तो फर्स्ट नाम लगाना है, फिर लास्ट नाम लगा देना है, और यहाँ पर जो हमारी डेट ऑफ बर्थडे है वो यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी लगा देनी है। ये लगाने के बाद में सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हमारे को देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर हम 2 प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक तो पर्सनल लोन हो गया और दूसरा हो गया स्कूटर लोन। तो हमारे को पर्सनल लोन अप्लाई करना है, तो अप्लाई का यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में दोस्तों कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी जो एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो हमारे को कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नाम हो गया, लास्ट नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थडे हो गया, और हमारा जो मोबाइल नंबर हो गया जो कि OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी वगैरह हो गई, और हमारा जो पिन कोड हो गया, और हमारा जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड यहाँ पर नंबर लगाना है। ये लगाने के बाद में वैलिड पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे हमारे को नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर क्लियर दे रखा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर 1 स्टेप फ्रॉम चेकिंग योर एलिजिबिलिटी। जो भी हमारा सिविल स्कोर है उसके बेस पे जो भी हमारी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 50,000 से लेकर 90,000 के लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो मेरा पैन कार्ड है उसके बेस पे। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पे आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी शो हो जाएगी। लोन अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, EMI आपको देखने को मिल जाएगी, और डिसबर्स अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको कट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ये करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, इसके लिए EKYC करनी पड़ेगी, और जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस होगा। तो हमारा जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से KYC करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रिडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो हमारे को हमारा जो आधार कार्ड है उसका नंबर लगा देना है, नंबर लगाने के बाद में कैप्चर कोड लगा देना है। ये लगाने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारे को यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा जो आधार कार्ड है उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा, OTP यहाँ पर लगा देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगी। तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करंट एड्रेस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और आपकी यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो है उसको अपलोड कर देना है। तो ये कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। हमको यहाँ पर हमारी जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो IFSC कोड दे देना है, बैंक नाम दे देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, और यहाँ पर कंफर्म बैंक अकाउंट देना है। ये कंप्लीट करने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करने के बाद में
आपको ई साइनिंग करना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टिक मार करके प्रोसेड टू ई साइन एग्रीमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर थैंक यू लिखा आ गया है, आपकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, सब चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को कुछ देर वेट करना है क्योंकि हमारा जो लोन है अप्लाई कर चुकी है, अब डिसबर्स होने में कुछ टाइम लगने वाला है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है L&T फाइनेंस सर्विस, बिल्कुल ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। दोस्तों यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।